एक बार आप इन दोनों को देखिए। इन दोनों ने ही जेई में टॉप किया था। एक की 406 रैंक आई थी और दूसरे की 891 रैंक आई थी और इन दोनों ने ही एनुअल स्पोर्ट्स क्लास 12th कंप्लीट की थी। ऐसे और भी कई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एन स्पोर्ट से क्लास 12th कंप्लीट करने के बाद जेई का एग्जाम दिया और उनका आईआईटी, ट्रिपल आईआईटी, एनआईटी में एडमिशन भी हुआ और उनका इंजीनियर बनने का सपना भी पूरा हुआ। अगर आपके क्लास 12th में 75% से कम मार्क्स आ गए हैं या आप दो या तीन सब्जेक्ट में फेल हो गए हो तो कैसे आप एन स्पोर्ट से एक महीने में 75% मार्क्स तक इम्प्रूव कर सकते हो और फेल हो गए हो तो उस सर्टिफिकेट को पास में कन्वर्ट कर सकते हो। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये पूरा प्रोसीजर बताने वाला हूँ जो कि एन स्पोर्ट के द्वारा ये गुड न्यूज इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, ये वीडियो आपके बहुत काम की है। मैं मनीष वर्मा, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पर। अगर आपने इनमें से किसी भी बोर्ड में एग्जाम दिया, मान लो CBSE में दिया, ICSE या किसी भी स्टेट बोर्ड में एग्जाम दिया और आपके क्लास 12th में 75% से मार्क्स कम आ गए या आप दो या तीन सब्जेक्ट में फेल हो गए तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए एक ऑप्शन होता है, वो है NIOS बोर्ड। NIOS बोर्ड को 1989 में भारत सरकार के द्वारा ऐसे ही स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया था जो किसी बोर्ड में फेल हो जाए या जिनके मार्क्स कम आ जाए तो वो NIOS बोर्ड में आकर इसी साल इम्प्रूवमेंट का एग्जाम देकर पास हो सकते हैं। मैं ये मानकर चलता हूँ कि आपको NIOS बोर्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता और मैं बिल्कुल शुरुआत से आपको सब कुछ बताता हूँ। एनुअल बोर्ड में एग्जाम्स कब होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको सही से समझना। देखिए, एनुअल बोर्ड में एग्जाम साल में दो बार होते हैं जिसको पब्लिक एग्जामिनेशन कहा जाता है, एक अप्रैल के मंथ में और एक अक्टूबर के मंथ में होता है। इन दोनों ही एग्जामिनेशन को पब्लिक एग्जाम्स कहा जाता है क्योंकि इन एग्जाम्स की डेट शीट आती है और डेट शीट के अकॉर्डिंग इनका एग्जाम्स करवाया जाता है। और पब्लिक एग्जाम्स वही देते हैं जो फ्रेश तरीके से 10th या 12th दोबारा करना चाहते हैं या जिन्होंने पहले नहीं किया है 10th 12th वो करना चाहते हैं, तो वो अप्रैल या अक्टूबर में एग्जाम देते हैं। एंड एनुअल बोर्ड में दूसरा जो एग्जाम का स्ट्रक्चर है उसको ऑन डिमांड कहा जाता है। ऑन डिमांड का मतलब होता है आप जिस भी डेट पे चाहो उस डेट पे एग्जाम दे सकते हो। एनुअल बोर्ड के अंदर कुछ मंथ सिलेक्ट किए जाते हैं। एनुअल बोर्ड के द्वारा ऑन डिमांड के एग्जाम भी साल में दो बार करवाए जाते हैं। सबसे पहला एग्जाम होता है ऑन डिमांड का जून से लेकर सेप्टेम्बर के बीच में और दूसरा होता है नेक्स्ट ईयर जनवरी, फरवरी और मार्च, इन तीनों मंथ के बीच में। ऑन डिमांड और पब्लिक एग्जाम्स में ये डिफरेंस होता है कि पब्लिक एग्जाम्स का डेट शीट आता है, डेट शीट के अकॉर्डिंग एग्जाम देने जाना होता है, लेकिन ऑन डिमांड में आप डेट्स खुद सिलेक्ट करते हो किस डेट पे आपको एग्जाम देने जाना है और कौन से मंथ में जाना है, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है ऑन डिमांड के अंदर। एंड तीसरा स्ट्रक्चर होता है एग्जाम का अक्टूबर स्ट्रीम 2 का एग्जाम। एनुअल बोर्ड में जो स्ट्रीम 2 में एडमिशन लेते हैं उनका एग्जाम इसी साल अक्टूबर मंथ में होता है और इसमें सिर्फ वही एडमिशन ले सकते हैं जिन्होंने पहले किसी बोर्ड में 10th या 12th का एग्जाम दिया हो लेकिन वो पास नहीं कर पाए तो वो अक्टूबर मंथ में एग्जाम दे सकते हैं। दैट मीन सभी बोर्ड के फेल्ड स्टूडेंट्स स्ट्रीम 2 में अपना एग्जाम दे सकते हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप इम्प्रूवमेंट का एग्जाम देना चाहते हो या फेल हो गए हो तो पास होना चाहते हो, 75% लाना चाहते हो, तो आपके लिए कौन सा एग्जाम बेस्ट होगा, पब्लिक एग्जाम, ऑन डिमांड एग्जाम या स्ट्रीम 2 का एग्जाम। अब जो मैं आपको बताने चाह रहा हूँ इसको सही से समझना, कई सारे स्टूडेंट्स यही मिस्टेक करते हैं जिसके वजह से आगे जेई मेंस में, एडवांस में उनके मार्कशीट को रिजेक्ट कर दिया जाता है। आखिर वो कौन कौन से रीजंस हैं, मैं एक एक करके सबको समझाने वाला हूँ। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप जेई मेंस का एग्जाम देना चाहते हो तो क्लास 12th के अंदर मिनिमम 5 सब्जेक्ट को मिलाकर आपके 75% मार्क्स होने चाहिए और इन 5 सब्जेक्ट में PCM होना चाहिए, एक लैंग्वेज होना चाहिए 4th सब्जेक्ट और 5वां सब्जेक्ट, दैट्स अप टू यू, आपकी मर्जी, आप कोई सा भी ले लो। इस तरीके से एक सिंगल मार्कशीट में टोटल 5 सब्जेक्ट होने चाहिए तब जाके ये मार्कशीट जेई मेंस के अंदर एक्सेप्ट की जाती है। दो डिफरेंट बोर्ड की 2 मार्कशीट जेई मेंस में एक्सेप्ट नहीं की जाती। जब आपने अपने बोर्ड का एग्जाम दिया, रिजल्ट आने के बाद दो ही कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं। पहले कैटेगरी के वो स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने 1, 2, 3, या 4 सब्जेक्ट्स में फेल हो जाते हैं, यानी फेल्ड स्टूडेंट्स। दूसरे कैटेगरी के वो स्टूडेंट्स होते हैं जो पास तो हो गए हैं लेकिन 75% नहीं बन पाया, टोटल करने पे 75% से कम मार्क्स आए हैं, तो वो अब 75% लाना चाहते हैं इम्प्रूवमेंट का एग्जाम देके। अब मान लो वो 1 या 2 सब्जेक्ट का इम्प्रूवमेंट का एग्जाम देंगे और उनके 75% आ जाए, उन सभी स्टूडेंट्स को यही लगता है। तो पहले आपको मैं ये बताता हूँ कि इन दोनों के लिए एडमिशन लेने का अलग अलग रूल है। अगर आप फेल्ड स्टूडेंट्स हो तो इनमें से किस कैटेगरी में आपको एडमिशन लेना चाहिए, अगर आप इम्प्रूवमेंट का एग्जाम देना चाहते हो तो इनमें से किस कैटेगरी में एडमिशन लेना चाहिए, अगर आप आगे जेई मेंस का एग्जाम देना चाहते हो। तो जेई को ध्यान में रखते हुए अब मैं आपको एक एक करके सारे रूल्स बताता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं हम फेल्ड स्टूडेंट्स की, जो फेल हो गए हैं आखिर उनको किस कैटेगरी में एडमिशन लेना चाहिए। उनको ऑन डिमांड एग्जामिनेशन में एग्जाम देना चाहिए
ऑन डिमांड में एग्जाम देने के बाद जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा ये आगे जेई में एक्सेप्टेड होगा। कैसे आप एग्जाम दे सकते हो, इसका प्रोसीजर क्या है, देखिए आपको एनुअल बोर्ड में मिनिमम 3 सब्जेक्ट का एग्जाम देना होगा। अगर आप चाहे फेल 1 में हुए हो 2 में हुए हो 3 में हुए हो 4 में हुए हो डेट्स अप टू यू, मिनिमम 3 सब्जेक्ट का एग्जाम एनुअल बोर्ड में देना ही होता है। 3 से कम में नहीं दे सकते आप, 3 से ज्यादा मैक्सिमम 4 में दे सकते हो, लेकिन मिनिमम 3 सब्जेक्ट में आपको एग्जाम देना ही होगा। 3 सब्जेक्ट्स का आपने एग्जाम दे दिया एनुअल बोर्ड से, और जिस भी 2 सब्जेक्ट में आप पहले वाले बोर्ड में पास हो उस 2 सब्जेक्ट के मार्क्स को एज इट इज सेम एनुअल बोर्ड के मार्क्सेट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसको टीओसी कहा जाता है। अब टीओसी किस सब्जेक्ट का हो सकता है, जिस भी 3 सब्जेक्ट का आप एग्जाम दे रहे हो उसके अलावा जो भी सब्जेक्ट आपके मार्क्सशीट में बच गए पहले वाले फर्स्ट वाले बोर्ड में, चाहे वो फिजिकल एजुकेशन हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, जो भी सब्जेक्ट हो, इन सभी सब्जेक्ट्स का आप टीओसी करवा सकते हो। कई लोग यूट्यूब पे आपको गुमराह करते हैं कि फिजिकल एजुकेशन का टीओसी नहीं हो सकता, आप इस नोटिफिकेशन में देखिए एनुअल बोर्ड ने साफ कहा हुआ है कि फिजिकल एजुकेशन का भी आप टीओसी करवा सकते हो। देखिए प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से लोग आपको गाइडेंस नहीं दे पाते और आपको गुमराह कर देते हैं, वो तो कुछ पैसे लेने के चक्कर में आपको फेल करवा देते हैं। हमारा जो स्टडी सेंटर है ये एनुअल बोर्ड का ऑथराइज्ड फैसिलिटेशन सेंटर है, हम आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देते हैं, पहले आगे ऑफिसर से बात करते हैं, कॉन्टेक्ट करते हैं, सारी जानकारी लेते हैं, तब आप तक पहुंचाते हैं। मेरा काम आपको मिसगाइड करना बिल्कुल नहीं है। हम टॉपिक पे वापस आते हैं, तो इस तरीके से 2 सब्जेक्ट आपका ट्रांसफर होगा, टीओसी होगी, और 3 सब्जेक्ट का आप एग्जाम दोगे। एग्जाम देने के बाद जो आपको मार्कशीट मिलेगी वो टोटल 5 सब्जेक्ट्स की मिलेगी, और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जेई में सिंगल मार्कशीट 5 सब्जेक्ट के साथ है विद 75% वो एक्सेप्ट किया जाएगा, क्योंकि आपको 5 सब्जेक्ट की सिंगल मार्कशीट मिल गई। दूसरा क्राइटेरिया होता है जेई का, अगर टॉप 20 परसेंटाइल में आपका नाम आ जाता है तो भी आप एलिजिबल हो जाते हो जेई के लिए। और एनुअल बोर्ड का जो टॉप 20 परसेंटाइल होता है ये हर साल बहुत कम होता है। जोसा के काउंसलिंग में बैठने के लिए जो टॉप 20 परसेंटाइल निकाला जाता है आप देख सकते हो, ये देखिए इसमें एनुअल का भी दिया गया है, और ऐसे हर साल एनुअल बोर्ड भी निकालता है। 67 से 70% आपके आ जाते हैं तो टॉप 20 परसेंटाइल में आपका नाम आ जाता है। तो इस तरीके से फेल्ड वाले स्टूडेंट से एडमिशन लेते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स में फेल्ड मार्कशीट, आधार कार्ड, फोटो, सिग्नेचर लगता है। दिए गए इसी नंबर पे आप कॉन्टेक्ट करके अपना एडमिशन करवा सकते हो। हर साल लाखों स्टूडेंट्स एडमिशन करवाते हैं हमसे और वो पास भी हुए थे, आप उनका रिजल्ट यहाँ पे देख सकते हो, इतने अच्छे उनके नंबर आए, और ऐसे ही मार्क्स आपके भी आएंगे। हम आपको बताएंगे कैसे करके जाना है एग्जाम में, क्या लिख कर आना है, वही लिख कर आओगे पास भी हो जाओगे, 75% जरूर आपके आएंगे। तो ये हो गया पहला क्राइटेरिया फील्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो फील्ड वाले जो स्टूडेंट्स हैं आपको ऑन डिमांड में एग्जाम देना है, आप कब दे सकते हो, आप जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन चारों के अलावा आप चाहो तो स्ट्रीम 2 अक्टूबर में भी, इन 5ों में से जिस भी मंथ में चाहोगे आप अपना एग्जाम दे सकते हो। ये हो गया फील्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आपको सिंगल मार्क्सशीट मिलेगी। अब हम बात करते हैं ऐसे स्टूडेंट्स की जो पास तो हो गए हैं लेकिन 75% मार्क्स नहीं आया उनका, तो आप एनुअल बोर्ड से इम्प्रूवमेंट का एग्जाम किस में दोगे, ऑन डिमांड में या पब्लिक एग्जाम में या स्ट्रीम 2 में, आपको मैं अब ये बता देता हूँ। सबसे पहले आपको मैं एनुअल बोर्ड का रूल बता दूं, अगर आप एनुअल बोर्ड से इम्प्रूवमेंट का एग्जाम देते हो ऑन डिमांड में तो आप मिनिमम 1 और मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट में एग्जाम दे सकते हो। मान लो अगर आपने 2 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया एनुअल बोर्ड से और 3 सब्जेक्ट की मार्कशीट पहली वाली मार्कशीट को यूज किया, क्योंकि टीओसी नहीं करवा सकते जो इम्प्रूवमेंट में देना चाहते हैं, टीओसी ना होने की वजह से आपके मार्क्स जो है वो पहले वाले बोर्ड में ही रह जाएगा और दूसरी मार्कशीट आपको मिलेगी जितने सब्जेक्ट का भी एग्जाम दोगे। तो इस तरीके से 2 सब्जेक्ट का जो आपने एग्जाम दिया सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट की आपको मार्कशीट मिलेगी एनुअल बोर्ड से, और 3 सब्जेक्ट के लिए आपको सीबीएसई का मार्कशीट यूज करना होगा। इस तरीके से दोनों मार्कशीट को मिलाकर अगर आपके 75% आ भी जाते हैं तो ये जेई मेंस में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। मैं आपको ये स्टार्टिंग में ही बताया कि जेई मेंस में एक्सेप्ट नहीं किया जाता 2 मार्क्सशीट। ये देखिए आईटी गुवाहाटी से भी कंफर्म किया गया, जेई मेंस और एनटीए की वेबसाइट पे भी ये लिखा हुआ है, विद 5 सब्जेक्ट के साथ पास होने चाहिए सिंगल मार्कशीट में। सभी जगह पे रिसर्च करने के बाद ही आपको मैं बता रहा हूँ, आगे कंफर्म करने के बाद सिंगल मार्कशीट होना कंपलसरी है। लेकिन अगर आप जेई के लिए स्पेशली 75% चाहते हो तो ऑन डिमांड एग्जामिनेशन आप ना देकर आपको पब्लिक एग्जाम्स देना चाहिए, और पब्लिक एग्जाम्स कब होगा, अप्रैल 2025 में पब्लिक एग्जाम्स होने वाला है। अब इस वीडियो को जो बाद में देख रहे हैं वो अप्रैल 2026 में दे सकते हैं, 27 में दे सकते हैं, 28 में दे सकते हैं, 29, 30 में दे सकते हैं। हर साल यही रूल रहेगा जो मैं आज इस वीडियो में बता दे रहा हूँ, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आपको टोटल 5 सब्जेक्ट्स में फ्रेश कैंडिडेट बनकर क्लास 12 का एग्जाम दोबारा देना होगा, और जो अभी आपके पास सेमेस्टर की मार्कशीट है वो वैलिड नहीं रहेगी। एनुअल बोर्ड से आप फ्रेश 12th का एग्जाम दोगे, यानी कि अभी आपको ड्रॉप लेना होगा, और ड्रॉप लेकर आप 12th की प्रिपरेशन एनुअल बोर्ड से करके 12th में आप पास हो जाओगे। आगे आप जोसा की काउंसलिंग में बैठ सकते हो, जेई मेंस में अपना सर्टिफिकेट यूज कर सकते हो, क्योंकि आपको सिंगल मार्कशीट मिलेगी इन 5 सब्जेक्ट की, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस प्रकार 2 मार्कशीट की जगह आपको 1 ही मार्कशीट चाहिए 5 सब्जेक्ट की,
जो आगे एक्सेप्टेड हो। कई जगह पे दो मार्क्सिट एक्सेप्ट नहीं किया जाता। हाँ, नीट के अंदर एक्सेप्टेड है। अगर आप एडिशनल बायोलॉजी लेकर आप एग्जाम देते हो एनएस बोर्ड से तो वो एक्सेप्टेड है, लेकिन जेई के अंदर ये एक्सेप्टेड नहीं की जाती। इसलिए जो भी सच्चाई मैं आपको वो बता रहा हूँ। स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी में भी कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी। देखिए, एनटीए और जेई मेंस की वेबसाइट पे नोटिफिकेशन है जिसमें ये लिखा हुआ है कि जो एनएस बोर्ड से क्लास 12th करते हैं तो उनका जो स्टडी सेंटर होता है वही उनका स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी होता है। देखिए, एनएस बोर्ड में एडमिशन लेने के बाद आपको इस तरीके का एक आई कार्ड मिलता है। आई कार्ड के नीचे देखिए ब्लू पट्टी पे स्टडी सेंटर का एड्रेस लिखा हुआ है। यही एड्रेस आपकी स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी में काउंट किया जाता है। आप देख सकते हो इस नोटिफिकेशन में साफ यहाँ पे बताया हुआ भी है। एडमिशन की लास्ट डेट क्या है? देखिए, अगर आप एग्जाम ऑन डिमांड में दे रहे हो तो ऑन डिमांड में सभी डेट पे कुछ सीट्स अवेलेबल होती है। देखिए, इस डेट पे इतनी सीट्स, इस डेट पे इतनी सीट्स, इस डेट पे इतनी सीट्स हैं। जिस दिन ये सीट खत्म हो जाएगी, देखिए यहाँ पे ग्रीन जो दिख रहा है ये इस तरीके से ये वाइट दिखने लग जाएगा आपको। सीट्स जैसे खत्म होती है एडमिशन क्लोज हो जाता है। तो इसकी कोई लास्ट डेट नहीं होती, ये सीट्स पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे वो एडमिशन लेते जाएंगे ये सीट फुल होते जाएगी। इसलिए आप जल्द से जल्द एडमिशन लेकर आप अपना एडमिशन कंफर्म करवा सकते हो। एंड अगर आप अप्रैल में एग्जाम देना चाहते हो तो 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। तो जल्द से जल्द आप भी एडमिशन करवा लीजिए ताकि स्टडी सेंटर आपके घर के आसपास ही मिले और आपको दिक्कत नहीं। एनएस बोर्ड से एग्जाम देने के बाद आपका जो रिजल्ट है वो 45 डेज के अंदर आ जाता है, चाहे ऑन डिमांड में दो या पब्लिक एग्जाम में दो। एग्जाम सेंटर आपके घर के आसपास के जो केवी स्कूल्स है, प्राइवेट गवर्नमेंट जो स्कूल्स है, वहीं स्कूल्स के अंदर आपका एग्जाम सेंटर पड़ता है, वहीं जाके आपको एग्जाम देना होता है। एग्जाम में सिलेबस क्या आता है? जो आपने सीबीएसई या पहले वाले बोर्ड में पढ़ा हुआ है वही सेम चीज एनएस बोर्ड में भी होती है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है 19-20 का। एडमिशन लेने के बाद हम आपका प्रॉपर गाइडेंस देते हैं, सिलेबस समझाते हैं, उसके बाद एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवा के एग्जाम में भेजते हैं आपको, ताकि एग्जाम में आपका हाथ ना रुके और आप लिखते रह जाओ। एडमिशन लेने की फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि ऑन डिमांड की अलग है, पब्लिक एग्जाम्स की अलग है, स्ट्रीम 2 की अलग है, तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। 2000 रुपये फीस होती है इसकी पर सब्जेक्ट। टीम बाकी आपको गाइडेंस दे देगी। मैंने आपको गूगल फॉर्म भी दिया, उसको फिल कर सकते हो। मैंने आपको एडमिशन काउंसलर का प्रोग्राम का लिंक दिया है, उस पर भी ज्वाइन कर सकते हो ताकि टीम खुद कॉल बैक कर ले, या आप दिए गए इस नंबर व्हाट्सअप कीजिए। थोड़ा सा वेट करना, टीम रिप्लाई करेगी। कॉन्टैक्ट कीजिए, अपना जल्द से जल्द एडमिशन कन्फर्म करवाइए। बाकी ये वीडियो कैसे लगे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, और इस वीडियो को सभी जगह शेयर जरूर करना ताकि सबकी हेल्प हो सके। मैं प्रभु से कामना करता हूँ आपके उज्जवल भविष्य के लिए। जय हिंद, जय भारत।